देखें भैया, पूरी दुनिया में करीब 800 करोड़ इंसान हैं और इनके बहुत सारे अपने अपने मज़हब हैं, और मज़हब इंसान के जज्बात से, उसके अकीदे से, उसके दिल से, उसके दिमाग से जुड़ा रहता है। तो दुनिया के किसी भी मज़हब के इंसान को ये कतई हक नहीं है कि किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात करे। ठीक है, हमारे यहाँ पर भी अभी देखते हैं कि कुछ बात आती है, अगर पहली बात तो इस्लाम मज़हब तो मना ही करता है किसी दूसरे मज़हब के बोलने के लिए, लेकिन कोई नादान आदमी अगर हरकत करता है तो वो व्यक्ति विशेष की हो सकती है, उस मज़हब की नहीं हो सकती। तो फ्रांस के अंदर जो कुछ भी हुआ तो वहाँ के राष्ट्रपति को बजाय उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के, वो उसकी फिर तपतपा रहे हैं। राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठने के बाद आदमी ऐसा करेगा तो फिर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं इस दुनिया को? तो हमने भारत के राष्ट्रपति जी से भी निवेदन किया है कि आप अपनी भावना, भारत के मुसलमानों की भावना भेजें, और हमने यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट को भी दिया है कि आप भी मजबूर करें, क्योंकि इन हालात में क्या करेंगे। यूनाइटेड नेशन की तरफ हर आदमी तरफ देखता है कि इस तरह से दुनिया कैसे चलेगी, जब हर इंसान एक दूसरे के मज़हब को बुरा बोलेगा, मारेगा, काटेगा, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ऐसे नहीं चलती, दुनिया मोहब्बत से चलती है। हम दूसरे मज़हब का एहतराम करें, अपने मज़हब को माने, पर मान सम्मान तो सबके मज़हब को देना पड़ेगा आपको। बहरहाल, हमारे शहर के लाखों मुसलमानों की बात थी, क्योंकि अभी कोरोना का हालात बने हुए हैं, ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो हम लिमिटेड लोगों ने आकर अपनी बात रखी है।